सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सो जैसा कि आपको पता है कि वेरिएंट 6 जस्ट रिलीज हुआ है एंड आई गेस मैं जस्ट ट्राई करने के लिए गया था अंदर एंड जाके मैंने देखा तो पता चला कि वेरिएंट जो है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी मतलब लिटरली काफ़ी इजी है। एंड अगर आपके पास बहुत ही सही चैम्पियंस हो तो, एंड मेरे पास एक्चुअली मैं लकीली बहुत सारे अच्छे चैम्पियंस थे एंड मेनली मैंने यहाँ पर 3 चैम्पियंस यूज़ किए थे, डूम, वेनम और क्या कहते हैं सेंटेनल को यूज़ किया था। तो उन तीनों चैम्पियंस से मैंने मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर है वेरिएंट 6 के वो सारे के सारे वहाँ पर कंप्लीट कर दिए एंड हमको कंप्लीशन रिवॉर्ड्स मिल गए। एंड प्लस जो 6-star एंड 5-star अरीना थी वो भी मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। तो वहाँ से हमको 5-star आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो वहाँ से यहाँ से हमको 6-star शार्ट्स मिले जो कि 5000 है एंड यहाँ से 10,000 5-star शार्ट्स एंड पहले से ही दूसरे जो बाकी के 5-stars हैं वो मैंने बचा के रखे थे। सो ओवरऑल हमारे पास अभी 30,000 6-star शार्ट्स है एंड 11 5-star शार्ट्स है। तो 30,000 है तो डेफिनेटली मैं 2 फीचर्ड 6-star के लिए जाने वाला हूँ एटलीस्ट। वैसे भी चैंपियन को ही न्यू ही मिलेगा क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा खासा 6-star का रोस्टर नहीं है एंड ऊपर से जो 5-star है 5-star के लिए हम बेसिक 5-star के लिए ही जाएंगे एंड डायरेक्टली सीधा 10 जो है 11 5-star जो है वो रोल कर लेते हैं। एंड जो आई गेस मतलब वेरिएंट 6 जो है वो इतना ईजी है कि अगर आपके पास बहुत ही सही चैंपियन हो तो केवल डिफ़िकल्टी के हिसाब से ही है। जस्ट आपके पास राइट चैम्पियन होना चाहिए एंड सीनर्जी लेके जाओ तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड फर्स्ट चैम्पियन हमको मिलता है मैन थिंग मेरे पास नहीं था तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा आगे शायद। ये वेरिएंट 2 में यूज़ हो सकता है, एक्सेल चैम्पियन है, आई एम नॉट श्योर बट देख लेंगे। एंड क्रिस्टल नंबर 2 एंड मैं अभी भी वही जो स्किल वाला चैम्पियन है जो सबको चाहिए, जो ब्रायन ग्रांट को भी चाहिए और वही चैम्पियन से मेरे को चाहिए 5-star एंड ओह कम ऑन 5-star आई एम जो काफ़ी अच्छा रहता एक्ट 6 में सीनर्जी के लिए काम आता। मेरे पास वॉस्प नहीं है, वॉस्प भी चाहिए, वॉस्प मिलेगी तो गोस्ट को मैं सीधा एक्ट 6 में उतार सकता हूँ एंड वैसे भी दूसरे बहुत सारे चैम्पियंस नहीं है। एमा फ्रॉस्ट थी मेरे पास पहले से, अवेकेंट भी है एंड फीचर्स में से मिली है मेरे को मिस्टर फैंटास्टिक, नाइस, ये मेरे पास 5-star नहीं था तो काफ़ी अच्छा है एक सीनर्जी के साथ एंड प्लस ऊपर से न्यू चैम्पियन है तो मैं ले लूँगा। तो पुल्स तो अब तक काफ़ी अच्छे एंड एमा फ्रॉस्ट भी बुरी नहीं है बट जो अवेकेंट एबिलिटी वो इतना कुछ खास करती है नहीं बट वो काफ़ी अच्छी चैम्पियंस है अगर वो पहली बार मिली या फिर फर्स्ट ड्यूप हो तो काफ़ी अच्छा है। एंड ये क्रिस्टल नंबर कौन सा है, आई गेस 4th है क्रिस्टल नंबर एंड कमाला खान, वाह न्यू चैम्पियन है तो आई गेस ले लेंगे। एंड यहाँ पर जो मेरे पास इनकर्जन शार्ड्स है, इनकर्जन आर्टिफैक्ट्स बोलते शायद उनको, तो वो भी मेरे पास अभी 33,000 है। तो आई गेस वहाँ पर स्टोर में एक स्पेशल एगॉन के लिए क्रिस्टल है तो एगॉन के साथ दूसरे भी बंच ऑफ चैम्पियंस है तो वहाँ पर सबके केबल नाइस गार्डियन 5-star गार्डियन मेरे पास 6-star है रैंक 2 का है तो या रैंक अप करेंगे थोड़ा बहुत, रैंक 3 मैक्सिमम जाएगा वो। एंड क्योंकि ये गार्डियन को एक्चुअली अवेकेंड एबिलिटी चाहिए एंड हाई सीक भी चाहिए तो 6-star में तो काफ़ी रेयरली पॉसिबल है बट देखेंगे। एंड क्रिस्टल नंबर कॉर्वस ह्यूमन टॉर्च, नाइस वेरी गुड वाओ ह्यूमन टॉर्च की अवेकेंड एबिलिटी काफ़ी अच्छी है प्रीफाइट एंड अगर अबिस में जाते हो तो डेफिनेटली चाहिए ताकि कैसे कि जैसे ही प्रीफाइट आप यूज़ कर लो एंड देन 5-6 नॉर्मल फाइट्स करो तो आई गेस जितनी नॉर्मल फाइट्स करो उतनी चांसेस ज़्यादा है कि आपको प्रीफाइट एबिलिटी वापस मिले। तो ये है उसकी अवेकेंड एबिलिटी तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड मैं अभी भी सोच ही रहा हूँ कि रैंक 5 किसको ले जाओ एंड प्लस कम ऑन मैन गिव मी हाइमडल, नो नॉट रोनिन एटलीस्ट
न्यू चैंपियन है तो ले लेंगे। मतलब आप देख रहे हो अभी भी बहुत सारे न्यू चैंपियंस निकल रहे हैं, मेरा लिटरली रोस्टर बना नहीं है, तो अच्छा खासा बना लूँ तो भी काफ़ी ठीक रहेगा। एंड मैं एक्चुअली अभी एक रैंक 5 चैंपियन को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक 4-5 रैंक अप जैम पड़ा है, तो मैं इसीलिए एक सारी की सारी ओपनिंग कर लेता। एंड देन हैवक, नाइस, हैवक भी नहीं था मेरे पास, ऑसम, गुड गुड चैंपियंस, गुड। अब तक तो काफ़ी अच्छे मिले, कोई भी डिसअपॉइंटिंग वाला चैंपियन नहीं मिला है। लास्ट के 3 बचे, लास्ट के 3 वालों को भी स्पिन करके खोल लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो मेरे पास आर्टिफैक्ट्स है, इनकर्जन आर्टिफैक्ट्स है, तो वहाँ पर भी एक स्पेशल स्टोर में एगॉन का क्रिस्टल है, तो एगॉन के साथ भी दूसरे चैंपियंस है, तो वो भी हम खरीदेंगे अभी, जस्ट ये हो जाए, ये 5-star सारे के सारे ओपन कर ले। एंड देन ये आई गेस 9th है, डार्क हॉक, या डार्क हॉक है मेरे पास। एंड ये आई गेस फर्स्ट टाइम अवेकनिंग है, यस ही इज फर्स्ट टाइम अवेकनिंग, बट डार्क हॉक पहले से मेरे पास 6-star अवेलेबल है, तो कोई मतलब का नहीं है, बस आई गेस उसमें काम आएगा, अरीना में काम आएगा बहुत सारा। एंड रोनन, कम ऑन रोनिन, एक और बार। सो वी पुल न्यू चैंपियन एंड उसी ओपनिंग में ड्यूप भी हो गया, तो चलो ठीक है। थोड़े सिल्वर स्टार्स, गोल्ड से आए गए प्लेटिनम स्टार्स, गोल्ड से तो अच्छे ही है। एंड देन फाइनली लास्ट क्रिस्टल 11th, हाइमडल को बहुत वो कर रहे हैं, वेनम द डक, वाओ वेनम द डक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वेरिएंट 5 में भी यूज़ हो सकता है जो आर्मर नोड्स है, एंड प्लस ये विलन है, विलन चैंपियन है, तो डेफिनेटली फॉर वेरिएंट 6 ऑल्सो। तो हमने लिटरली मतलब सिर्फ एक ही बुरा चैंपियन पुल किया है, वो भी ठीक है, आई मीन न्यू चैंपियन है तो ले लूँगा, जो कि कमला खान है। एंड सीधा जाते हैं हम लोग स्टोर में इनकर्जन वाले क्रिस्टल लेने के लिए। एंड देन हम लोग देखते हैं, पहले ठीक से देख लेंगे कि वही क्रिस्टल है जो हम लेना चाहते हैं या नहीं। सो आई गेस वो क्रिस्टल का नाम ये था, ओके, एगॉन लुकेजिया, दिस इज द वन। मेरे पास 33,000 है, तो 27,000 में स्पेंड कर रहा हूँ। एंड देन हम सीधे जाएंगे इसके बाद 6-star फीचर्स, 6-star फीचर्स 2 है मेरे पास, सिर्फ 2 ही है, और हमारे पास फीचर्ड ओपन करने के लिए कितना टाइम है, आई गेस 100 डेज है, तो 3 महीने, तो देखेंगे आगे अगर 15,000 6-star शार्ड्स के ऊपर होते हैं तो डेफिनेटली फीचर्स के लिए जाएंगे, क्योंकि फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, आई मीन बहुत सारे गॉड टियर चैंपियंस हैं। एंड अगर यहाँ से मेरे को एगॉन मिल जाता है तो बहुत ही ऑसम रहेगा, कि जॉन मुलेन चैंपियन भी बाकी है, मेरा जो चैलेंज है वो भी बाकी है, अगर वो हो जाता है तो काफ़ी अच्छा है। तो जस्ट जॉन मुलेनी में मेरे को सबसे डिफ़िकल्ट अभी भी मिस्टीरियो लग रहा है, बाकी सारे चैंपियन के काउंटर हो गए हैं मेरे पास। एंड इंक्रेशन क्रिस्टल में क्या मिल रहा है, कम ऑन, ओके, हमने अभी जस्ट मैन थिंग को पुल किया एंड वी ड्यूप टीम, तो भाई बुरा नहीं है, बट या जो मेरे को चाहिए था वो तो नहीं मिला। या स्टिल अभी भी एगॉन लेस, 5-star एगॉन नहीं है, 6-star एगॉन है, 6-star अवेकनिंग जेम नहीं है। सो या नाउ द बिग गन्स, गेटिंग 2 फीचर्ड 6-stars, ऑलवेज सीधा यही कर लेते, एंड देन एक स्पिन करेंगे एंड देन लास्ट वाला पॉप कर देंगे। या पर अगर मेरे को प्रोफेसर एक्स, अपोकलिप्स कुछ भी मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर अपोकलिप्स मिलता है तो वेरिएंट 6 में भी काम आएगा। एंड प्लस जो क्या कहते हैं, कोई भी म्यूटेंट चैंपियन को 6-star विजन, या ही इज अ गुड चैंपियन, ये अभी मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये चैंपियन अच्छा था या बुरा, बुरा तो नहीं था बट डैमेज वाइज वो भी नहीं है। सो लास्ट पॉप एंड लेट्स गो, क्या देता है, कम ऑन,
Seriously, you got to be kidding me. Oh man. I mean, just when a 5-star man thing pull kiya, usko dupe bhi kiya, and then again on 6-star man. Oh man, ye luck kya luck hai guys. Okay, I mean, ye opening to काफ़ी बेकार से ओपनिंग थी. आई मीन देखेंगे फ्यूचर में ओपनिंग कैसी रहेगी. सो एंड अभी नेक्स्ट जो है अभी बूस्ट के लिए कितना बहुत ही कम टाइम बचा है, 19 आवर्स ही बचे हैं. सो अगर आपने अभी भी ओपनिंग नहीं की हो तो कर लेना. एंड इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो डेफिनेटली गोल्ड क्रिस्टल्स की ओपनिंग की ही होगी, क्योंकि बूस्ट अभी काफ़ी कम टाइम के लिए, तो जल्दी से ओपन कर लेंगे. एंड या अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.